अपना चैप्टर है वॉइस। अब गौर से देखिएगा, वॉइस और एक और शब्द होता है मगध जी, साउंड। साउंड और वॉइस में क्या अंतर है? साउंड और वॉइस में क्या अंतर है? अभी बोले साउंड तो सर अनइवन साउंड होगी जो हमें अच्छी लगे, और वॉइस नहीं प्रगति होगी। तो वॉइस होता है ये लिविंग थिंग का होता है, जैसे आपकी वॉइस होगी बिल्ली की, कुत्ते की, किसी की भी वॉइस होगी, मतलब लिविंग थिंग जो बोलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वॉइस। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे आपका टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, वो तो आपका साउंड कम कर देना, इसके साउंड ज्यादा है, थोड़ा डीप कर दो, हाई कर दो, जो भी करते हैं, तो साउंड क्या होगा जी? आर्टिफिशियल। वॉइस क्या होगा? नेचुरल। ये तो आपका डिक्शनरी में अंतर। लेकिन वॉइस जो ग्रामर में है समझेंगे, ग्रामर में वॉइस को हिंदी में कहा गया है वाक्य। क्या कहा गया है? वाक्य। इसको दूसरे ढंग से समझें तो वॉइस को हम शिवानी मैडम स्टेटमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट, या हम इसको एक सेंटेंस कह सकते हैं। अब जब सेंटेंस होगा आपके पास, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक सेंटेंस होगा जिसमें आप सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देंगे, दूसरा सेंटेंस होगा जिसमें आप सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अब गौर से देखिएगा, जब कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, कोई सेंटेंस आता है, तो दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? इस सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? सब्जेक्ट कर रहा होगा। दिमाग में सीधी सी बात आती है, यदि किसी सेंटेंस में जो एक्शन है, डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला यदि सब्जेक्ट है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। और यदि सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। आप बोल सकते पैसिव पार्ट होता है नॉट इन एक्शन, निष्क्रिय, मीनिंग होते हैं उसको निष्क्रिय, और एक्टिव पार्ट होता है सक्रिय। तो आपके जो वॉइस है कितने तरह के हुए? दो तरह के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अर्थात एक सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरे सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को देते हैं। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को हमने इम्पोर्टेंस दिया तो वो एक्टिव वॉइस है, और यदि सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो वो क्या होगा? पैसिव वॉइस। यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है कि एक सेंटेंस देखने के बाद आपको कैसे पता चलेगा ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है? आपको एक सेंटेंस मिला और सामने वाला बोला आपसे ये कौन सा वॉइस बताए, एक्टिव का है या पैसिव का है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट? उसके एक टिक देखे थोड़ा। अब बी वर्ब के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी आ जाए तो आंख बंद करके बोल दें ये पैसिव वॉइस है। बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इक्वल टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मींस इसमें जो भी एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? अब क्वेश्चन होता है अमित जी की बी वर्ब कितने हैं? बी वर्ब कितने हैं पुनम जी? आठ। आठ कौन कौन से हैं? बी, हां, वाज, वर, यस, बीइंग, बीइंग, इज, एम, यस। टोटल कितने हैं? आठ। बी, वाज, वर, बीइंग, बीइंग, एम, इज, आर। और फॉर्म कितने हैं इसके? आठ। तो यदि बी वर्ब के बाद कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो आप क्या बोलेंगे जी? ये पैसिव वॉइस। क्लियर है? अब हम थोड़ा देखेंगे एक्टिव और पैसिव में और क्या अंतर होता है। ये जो एक्टिव वॉइस है इसमें सब्जेक्ट क्या करेगा? डूअर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट होगा इसका डूअर ऑफ एक्शन। जब सब्जेक्ट कोई काम करेगा तो ये किस पर करेगा? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा? रिसीवर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट को हिंदी नाम कहते हैं कर्ता और ऑब्जेक्ट को कर्ता। क्लियर है? अर्थात जब कर्ता कोई काम करेगा, सब्जेक्ट कोई काम करेगा, तो काम किस पर करेगा? ऑब्जेक्ट पर करेगा। तो एक्टिव वॉइस में करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है, और उस काम से अफेक्टेड कौन है? ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में करने वाला कौन होगा? ऑब्जेक्ट। हमने ये कहा कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम नहीं करता है, एक काम तो होगा, यदि सब्जेक्ट काम नहीं करेगा तो करेगा कौन सी? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे उसमें? डूअर ऑफ एक्शन। अब ऑब्जेक्ट किस पर काम करेगा? सब्जेक्ट पर। इसमें क्या कहेंगे? सब्जेक्ट को रिसीवर ऑफ एक्शन, अर्थात सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? एक्टिव में काम कौन करेगा? सब्जेक्ट। भुगतेगा कौन? ऑब्जेक्ट। पैसिव में काम कौन करेगा? ऑब्जेक्ट। भुगतेगा कौन? सब्जेक्ट। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। आपको मैंने बताया कि पैसिव वॉइस की पहचान क्या है। पहचान क्या है? बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। यहां तक क्लियर है? यस सर।
भैंस को प्रिंसिपल एक से ढंगेगा, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आगे चल के आपको बार बार बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप समझें कि ऑब्जेक्ट होता क्या चीज। मुझे गौर से देखना, सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? नाउन। नाउन होते हैं, तो समझना इसको, सब्जेक्ट भी नाउन होगा, ऑब्जेक्ट भी नाउन होगा और कॉम्प्लीमेंट भी नाउन होगा। क्लियर? इसमें मैं लिखता हूं कि ऋतु ईट्स ए मैंगो, फिर हमने कहा कि ऋतु बीट्स ए डॉग, फिर कहा ऋतु गोज टू टेंपल। इसको गौर से देखिएगा, हमने कहा कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि हम सब्जेक्ट कैसे ढूंढें, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होगा। उसके लिए खुदला है हमें कि भारत के पहले आप हूं या व्हाट लगा के क्वेश्चन करें। क्या करेंगे सिमानी? भारत के पहले हूं या व्हाट लगा के क्वेश्चन करें, जो भी आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा। आंसर इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? भारत के पहले आप व्हाट या हूं लगाए, जो भी आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, और भारत के बाद आप व्हाट या हूं लगा के क्वेश्चन करें। आंसर इज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको देखना मुझे, भारत के बाद अगर व्हाट या हूं लगा के क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। व्हाट से जो आंसर मिलेगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हूं से जो आंसर मिलेगा उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस नॉन लिविंग थिंग, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस लिविंग थिंग। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? भारत के बाद व्हाट या हूं लगा के क्वेश्चन करेंगे, और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करेंगे? भारत से पहले व्हाट या हूं लगा के क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होंगे, एक होंगे डायरेक्ट, दूसरा होगा इनडायरेक्ट। व्हाट से जो आंसर मिलेगी उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस नॉन लिविंग थिंग, हूं से जो आंसर मिलेगी तो होगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस लिविंग थिंग। यहां तक क्लियर है? यस सर। इसको थोड़ा देखेंगे, ऋतु इट्स अ मैंगो, आप इट्स के पहले हूं लगा के क्वेश्चन करें, हूं इट्स अ मैंगो, ऋतु आपके क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट ऋतु क्या है? सब्जेक्ट। और ऋतु क्या है? नाउन है या नहीं? कौन सा नाउन है? सब्जेक्ट है, ये भी नॉन है। अगला इसका ऑब्जेक्ट क्या है देखें, व्हाट ईट्स के बाद व्हाट लगा के क्वेश्चन करें, ईट्स व्हाट क्या खाती है? मैंगो। आंसर क्या मिलेगा? मैंगो। ये मैंगो भी नॉन है, कौन सा नॉन है? कॉमन नॉन। तो आपका सब्जेक्ट भी नॉन है और ऑब्जेक्ट भी नॉन। फिर अगला सेंटेंस देखें, ऋतु बीट्स ए डॉग, फिर वही बात, हूं बीट्स ऋतु बीट्स, ऋतु आपका सब्जेक्ट हो गया। बीट्स व्हाट क्या पिटती है? आंसर नहीं मिला। बीट्स हूम, आपके पास दो ऑप्शन है, व्हाट एंड हूम। बीट्स हूम किसको पिटती है? डॉग। ये डॉग क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन है। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट भी नाउन है और ऑब्जेक्ट भी नाउन है, दोनों में अंतर क्या है? कि सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एक्शन, और ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ एक्शन, रिसीवर ऑफ एक्शन। जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो किस पर करेगा? ऑब्जेक्ट पर। अब दोनों ही क्या होंगे? नाउन होंगे सर। अगला सेंटेंस देखते हैं, ऋतु गोज टू टेंपल, सब्जेक्ट क्या है इसका? ऋतु गोज, ऋतु गोज, फिर है गोज, अगला क्या है? गोज के बाद आप ऑब्जेक्ट ढूंढे, गोज व्हाट क्या जाती है? नहीं मिला। गोज हूं किसको जाती है? नहीं मिला। यदि यह होता है गोज वेयर तो हम बोलते टेंपल, बट वेयर अपने पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके बाद आपका एक टेंपल नाउन है, टेंपल का ही सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट, टेंपल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? पूरक, पूरक। इसको कई लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे, बस समझना, इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे। ऑब्जेक्ट भी फिर दो कैटेगरी के हो जाएंगे, एक होंगे वर्बल ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जो आपके एक्टिव को पैसिव करेंगे उसमें तो मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएं, वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वर्बल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। फिर से समझेंगे, सब्जेक्ट क्या है जी? डूअर ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ एक्शन, काम किया जाता है, कर्म, अर्थात रिसीवर ऑफ एक्शन। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये भी नाउन है, टेंपल नाउन है कि नहीं? yes, पर इसमें अंतर है कि सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है।
ये जो नाउन है अब इसमें रितु गोस टू टेंपल, रितु यदि टेंपल ना जाए तो टेंपल में क्या होगा, भूकंप आएगी या आग लगेगी? हाँ सर, कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ पर आम ना खाए तो आम बचा रहेगा, कुत्ते को ना पीटे कुत्ते को दर्द नहीं होगा। अर्थात इस दोनों एक्शन को करने से सामने वाला नाउन अफेक्टेड है या नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ पर इस एक्शन से अगला नाउन अफेक्टेड है? नो सर। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, तीनों के तीनों नाउन है। अंतर इतना है मंदिर जी कि सब्जेक्ट काम करेगा, एक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करेगा, और जो कॉम्प्लीमेंट है उस एक्शन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट के एक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी भाषा में सीधी सी में समझ लें कि सब्जेक्ट जो भी काम करता है, यदि सब्जेक्ट के एक्शन का असर जिस किसी भी नाउन पर पड़ता है तो सब के सब क्या होंगे? क्लियर है? वो कोई भी सेंटेंस, वो कोई भी एक्शन, इस एक्शन से अगला नाउन अफेक्टेड है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आगे हम देखेंगे। इसमें एक शब्द होता है वर्ब, वर्ब को भी थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर वर्ब कई तरह के हैं, बट यहाँ पर आप दो तरह से समझें। एक है बेटे प्रांदिति वर्ब, दूसरा है इंप्रांदिति वर्ब। अब प्रांदिति वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में? सकर्मक। क्या बोलते हैं शिवानी? सकर्मक। और इसको क्या बोलते हैं? अकर्मक। यदि हिंदी भी ढंग से समझे तो सकर्मक का अर्थ होता है अमित कि ऐसा क्रिया, ऐसा वर्ब जिसके उसको अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल टू प्रांदिति वर्ब। अर्थात जिस वर्ब को अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। एक्चुअली वर्ड है ट्रांस, ट्रांस का अर्थ होता है टू पास। अब इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक्शन कौन करेगा? सब्जेक्ट। और एक्शन कौन बताएगा? वर्ब। यदि ये एक्शन सब्जेक्ट से निकल के ऑब्जेक्ट तक आ जाए उसको बोलेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? इंग्लिश में क्या बोलेंगे लिख लीजिए, अ वर्ब दैट मीट्स एन ऑब्जेक्ट, a verb that needs an object to complete its meaning is called a transitive verb. हमने क्या बोला, a verb that needs an object to complete its meaning is called a transitive verb. Okay, ये clear है? क्लियर बेटे? फिर से देखना, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? यस सर। अगला है इंट्रांजिटिव वर्ब। इन का अर्थ होता है नॉट। इन क्या है आपका, एक्चुअली तीन शब्द होते हैं, एफिक्स। गौर से देखना, कई लोग एफिक्स बोलेंगे, कई लोग फिक्स बोलेंगे। फिक्स तीन तरह के होते हैं, एक होता है बेटे प्रीफिक्स, दूसरा होता है इनफिक्स, और तीसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स जो किसी शब्द पहले जोड़ते हैं, इनफिक्स जो दो शब्द के बीच में जोड़ देते हैं, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सेक्शन इन चार्ज, कमांडर इन चीफ। सफिक्स जो बाद में जोड़ते हैं और इसमें इसका मीनिंग बदल जाता है। तो गौर से देखिएगा, हमने कहा आपको वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब, यह है इन ट्रांजिटिव। किसी भी शब्द के पहले यदि आप इन जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग उल्टा हो जाता है। जैसे मैंने बोला डेफिनेट, निश्चित, आपने कहा इनडेफिनेट, अनिश्चित। ट्रांजिटिव आपने कहा इन ट्रांजिटिव, उल्टा हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि वर्ब दैट नीड दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव। उल्टा कर दो, अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे शब्द हम क्या कहेंगे कि वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। यदि किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है। यस। यदि किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है शिवानी? फिर देखेंगे, मैंने आपको बताया कि वॉइस को आप सेंटेंस कर लें, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है क्वेश्चन ये है
कि सब्जेक्ट ये एक्टिव टू पैसिव कैसे करें। क्लियर? तो समझे गए। मैं एक दो लाइन लिखता हूं कि ऋतु इज ए मैंगो, ऋतु इज ईटिंग ए मैंगो, ऋतु विल ईट ए मैंगो, ऋतु हैज ईटन ए मैंगो, ऋतु एट ए मैंगो। इसी सब समझ आए तो समझिएगा हमने कई सारे सेंटेंस लिखे। इसमें क्वेश्चन है कि एक्टिव टू पैसिव कैसे करें। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे या तो एक्टिव टू पैसिव होंगे, उसमें सिर्फ ये रहेगा कि कन्वर्सन ऑफ वॉइस एक्टिव है तो पैसिव करते हैं, पैसिव है तो एक्टिव करते हैं। उसमें ये नहीं रहेगा एक्टिव टू पैसिव करो या पैसिव से एक्टिव करो। पहला नियम शिवानी जी, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव का जो भी ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट कई बार मी हो सकता है, हर हो सकता है, हिम हो सकता है या देम हो सकता है, ये किसी। यदि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसमें है ऑब्जेक्टिव केस में, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में आप कुछ चेंज कर देंगे। मी से क्या हो जाएगा आई, हर से क्या हो जाएगा सी, हिम से क्या हो जाएगा ही, देम से क्या हो जाएगा दे, अस से क्या हो जाएगा वी भी। इस तरह से आप कुछ चेंज करेंगे। हमने पहला पॉइंट क्या बताया कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। ये मैंगो सबका ऑब्जेक्ट है, मैंगो है। पंकज यादव समझ आ रहा है ये बात? पहले हमने बताया बेटे आपको कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। अगला पॉइंट यदि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया हो, एक्टिव वॉइस में यदि हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया हो तो पैसिव वॉइस में इसको हम नहीं छेड़ेंगे, जस्ट का प्लस रख देंगे, जस्ट का प्लस रख देंगे, लेकिन सब्जेक्ट का स्वाप। जैसे हमने यहाँ पर लिखा रितु इज ईटिंग अ मैंगो, इसमें इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना, हमने यहाँ पर इज कर दिया। विल ईट अ मैंगो हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। इसमें है कि कितने मैंगो है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? है। तो यदि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में उसको हम जस्ट का प्लस कर देंगे। हाँ, सब्जेक्ट का स्वर चेंज होगा, मान लो जिस सब्जेक्ट आई बन जाए इसका एम कर देंगे, वो तो हम कर ही सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझिएगा, जो थर्ड पर होगा अर्थात एक्टिव वर्ब में जो मेन वर्ब होगा वो किसी न किसी फॉर्म में यूज होगा, या फर्स्ट में हो या सेकंड में हो या थर्ड में हो या फोर्थ में हो या फिर फिफ्थ में हो। इसमें देखें, इसमें किस में यूज किया गया है? फिफ्थ फॉर्म। इसमें किस में यूज किया गया है? फोर्थ। इसमें किस में है? फर्स्ट। इसमें किस में है? थर्ड। इसमें किस में है? सेकंड। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों यूज कर लिया। तो मेन वर्ब जो एक्टिव वॉइस का है, मेन वर्ब वो किसी न किसी फॉर्म में यूज होगा। तो इससे हमें दो काम लेना है, इसको खूब तसल्ली समझिएगा। इससे हमें दो काम लेना है। पहला काम, ये मेन वर्ब जिस किसी भी फॉर्म में है उसी फॉर्म का आप बी वर्ब डाल दें, जिस किसी भी फॉर्म में उसी फॉर्म में क्या करें? बी वर्ब डाल दें। अब ये किस फॉर्म में है? फिफ्थ फॉर्म। बी वर्ब क्या है आपके पास? एम इज आर। अब ए मैंगो के लिए क्या होगा? इट्स। ये किस फॉर्म में है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में बी वर्ब क्या है? बी। आप बी लिख दें। ये किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में बी वर्ब क्या है? बी। आप बी कर दें। ये किस फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में बी वर्ब क्या है? बीन। आप बी लिख दें। और ये सेकंड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में बी वर्ब क्या है? वाज या वर। ये मेनू के लिए वाज होगा या वर होगा? वाज। क्लियर है? हमने ये कहा कि मेन वर्ब से हमें दो काम लेना है। पहला काम, ये जिस किसी भी फॉर्म में है शिवानी उसी फॉर्म का आप बी वर्ब लिख दें। ये किसी न किसी फॉर्म में तो होगा, फर्स्ट में हो या फिफ्थ में हो या फोर्थ में होगा। अगला काम, ये वर्ब चाहे जिस किसी फॉर्म में हो इसका थर्ड फॉर्म लेंगे। बी वर्ब का क्या करेंगे? इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन। इसका भी थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन। इसका भी ईटन। इसका भी ईटन। और इसका भी हमने क्या कहा? वर्ब देखिए, एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है उससे हमें दो काम लेना है। एक समझना, नरेशन हो या वर्ब हो,
इसमें हम सिर्फ मेन भर को बदलते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो मेन भर है उसमें हमें दो काम लेना है। पहला क्या करेंगे, बी वर्ब जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म का बी वर्ब यूज, और दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां तक क्लियर है? यस सर। अगला पॉइंट होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज हम खुद अपने नाम से करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या करेंगे, बाय का यूज कर देंगे। ठीक है शिवानी, पहला नियम बताया आपको कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो। दूसरा नियम बताया एक्टिव में यदि हैव वर्ब का यूज है तो पैसिव में से नहीं छेड़ेंगे। तीसरा नियम बताया कि मेन वर्ब से हमें दो काम लेना है। पहला काम कि जिस किसी भी फॉर्म का है उसी फॉर्म का बी वर्ब लिखेंगे और फिर उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेने के बाद बाय का हम अपने मन से यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म का क्या यूज कर देंगे, बाय। फिर लास्ट स्टेप है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये शब्द का हम क्या डाल दें, रितू। क्लियर है? यस सर। फिर से समझा, लास्ट पॉइंट क्या है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे। शिवानी जी आपको मैंने चार पांच पॉइंट बताया। पहला बताया कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा। यदि ये ऑब्जेक्टिव केस में है इसको सब्जेक्टिव केस में हम खुद चेंज कर लेंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट बताया कि यदि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है तो पैसिव बिल्कुल मजीद नहीं छेड़ेंगे, आप सब्जेक्ट का वर्ब चेंज कर सकते हैं। तीसरा, मेन वर्ब से हमें दो काम लेना है। पहला, जिस किसी भी फॉर्म का मेन वर्ब है उसका बी वर्ब, बी वर्ब यूज वर्ब, और फिर उसी वर्ब का थर्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज अपने मन से करेंगे और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर वही बात कि यदि एक्टिव का सब्जेक्ट ही है तो पैसिव में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। हिम, आई है तो मी, दे है तो देयर, ऐसे करके हम चेंज कर देंगे। अगला नियम फिर देखेंगे। मैं इतना ही लिखता हूं कि आई राइट ए लेटर, आई विल, आई शैल राइट अ लेटर। अब देखना आप अमित, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया और यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, बट दोनों में अंतर है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है और ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनिएगा, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज, ये अगला नियम है, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो इसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मानेंगे। अगर ये तो क्लियर है, हमने कहा कि यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज विदाउट हेल्पिंग वर्ब किया गया हो इसको हम क्या मानेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मानेंगे। फिर हम क्या लिखें, अ लेटर इज, अगर क्या होगा जब फिफ्थ फॉर्म मानेंगे तो हम क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म का बी वर्ब क्या है, इज इट। तो हमने कहा इससे दो काम लेना है। यस सर। पहला बी वर्ब तो क्या होगा, इज। फिर इसी का थर्ड फॉर्म बाय मी, मी। लेकिन यदि फर्स्ट फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया हो तो ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म में हम कब मानेंगे, जब ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया हो। आगे हम कैसे लिखें इसको, अ लेटर बिल, अपना लेटर के बिल होगा या शैल होगा, बिल होगा, बिल होगा, अ लेटर बिल। अब इससे कितना काम ले, दो काम। पहला क्या, बी वर्ब का, अब फिर इसी का थर्ड फॉर्म रिटेन बाय मी। ये पॉइंट क्लियर हुआ, फिर से समझना। ये पांचवा पॉइंट था आपका कि यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज विदाउट हेल्पिंग वर्ब हुआ है उसको हम क्या मानेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मानेंगे। और अंतिम नियम, यदि एक्टिव का सब्जेक्ट आपका वी हो या दे हो या कोई भी इंडिफिनिट प्रोनाउन हो, पंकज यादव गौर से समझना बेटे, यदि एक्टिव का सब्जेक्ट आपका वी हो या दे हो या कोई भी इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब एनीबॉडी, समबॉडी, नो वन, एवरीबॉडी, एनीवन, इट इज इंडिफिनिट प्रोनाउन हो तो पैसिव बनाते वक्त इसको बाय के बाद हम यूज नहीं करते हैं, अर्थात ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। एक एग्जांपल देखेंगे, वी वॉच अ मूवी। अब यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट अ मूवी, अब वॉच किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन हैप्पी वर्ब का यूज है,
उसको क्या माने? किस फॉर्म? इससे कितना काम ले? होगा क्या होगा? इज बाय अस होगा? नो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर इंडेफिनिट है. तो अब वो भी इज वाज दैट्स ऑल. एक और देखें, हमने बोला कि अब पुलिस द पुलिस कर दो द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ. यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? अ थीफ. ये थीफ अब ये किस फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में है. कितना काम है इससे? दो काम. पहला इसी का बी वर्ब क्या होगा? वाज. क्या होगा? अरेस्टेड. अ थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अरेस्टेशन फॉर्म किसके पास है? पुलिस के पास है. तो मैं कहना चाहता हूँ आपको, यदि एक्टिव का सब्जेक्ट आपका वी हो, दे हो, या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, या फिर जो पैसिव में ऑब्जेक्ट होने वाला हो वो वेल नोन हो या अंडरस्टूड हो, तो भी हम उसके यूज नहीं करते. जैसे यहाँ पर आपको कोई बोले कि आप थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये गलत हो जाएगा. ये सबको पता है कि यदि अरेस्ट होगा या अरेस्ट किया जाएगा तो कौन करेगा? पुलिस ही तो करेगा. यहाँ पे क्लियर है? आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ. पहला नियम क्या बताया था हमें? पहला नियम था कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट केस में यदि वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस में चेंज करना हमारा काम है. अगला नियम बताया कि यदि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है तो पैसिव में उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे. हाँ, सब्जेक्ट का फॉलो चेंज हो जाएगा. क्लियर? यस सर. तीसरा नियम बताया कि एक्टिव में जो मेन वर्ब है उससे हमें दो काम लेना है. पहला काम जिस फॉर्म में मेन वर्ब है उसी फॉर्म का बी वर्ब, और दूसरा उसी वर्ब का फिर थर्ड वर्ब. थर्ड फॉर्म के बाद वाई का यूज हम निर्बंध से करेंगे. और अंतिम नियम, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा. फिर वो सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस करना हमारा काम. अगला नियम बताया था आपको कि यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो क्या मानेंगे उसको? किस फॉर्म मानेंगे? आगे आप जानते हैं. फिर अगला नियम बताया कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यदि वी हो या दे हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो उसको हम वाई के बाद उसका यूज नहीं करते हैं, अर्थात पैसिव में उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करेंगे. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. कोई डाउट है? नो सर. आपको मैं बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाए, सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या है, बी वर्ब में कितने फॉर्म है, पैसिव की पहचान क्या है, समानी सेंटेंस देखे कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस पैसिव का है या एक्टिव का है. सेंटेंस है आपको दिया गया है और पूछा गया कि एक्टिव का है या पैसिव का है, आपको कैसे पता चलेगा? बी वर्ब के बाद अगर थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, वर्ब के बाद यदि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है मींस वो पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस है मतलब वो सब उस सेंटेंस में एक्शन करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, कुछ और है, या तो ऑब्जेक्ट है या फिर आपका अनोन है. क्लियर है? यस सर. पॉइंट क्लियर है? यस सर.